हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बलदेव आए हैं और दाऊ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। आओ दोस्तों, अंदर चलते हैं। ये चिंतारण मंदिर आए हैं दोस्तों। ये भ्रमण घाट पर आए हैं दोस्तों। चलो आपको भी यहाँ का भ्रमण करवाते हैं। तो गल गल दीजिए, हम देखो देखो यहाँ सामने तो देखो क्या कर रही है, फोटो खींच रही है। नहीं वीडियो वो किधरों बनी है। ये 84 खंबा मंदिर, और दोस्तों दर्शन करते हैं। भगवान बाल दो दिन का लसन है, यशोदा मैया ने दो दिन का जुलाया था, उसी को जुलाने के लिए संसार आता है। और दोस्तों आपको पागल बाबा के आश्रम के दर्शन कराता हूँ। के पागल बाबा ने यहाँ जिंदा समाधि ली थी, वो समाधि स्थल आपको दिखाते हैं दोस्तों। जय हो पागल बाबा की जय हो। जिंदा समाधि कोई नहीं होने आता। प्यास लगी, गन्ने का जूस पीते हैं दोस्तों। तो 3 गिलास ले दे भैया। बोलो धीरे धीरे, बोलना हर हर महादेव, धीरे धीरे बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या कह रहे ध्यान दो, हर हर महादेव। ये अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रवचन चल रहा है। आओ दोस्तों आपको लाइव दिखाता हूँ। ईश्वर के भरोसे रहो, जिनके बेटे हैं वो भी आज कौन से सुखी हैं। आगे चलती रहिए, आज कितनी ऐसी माएं हैं, ऐसी कितनी माएं वृद्ध माएं हैं जिनके अपने बच्चों ने माँ को घर से निकाल दिया। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है माएं हैं तो बच्चे, ऐसी ऐसी माएं हैं जिनके चार चार बेटे हैं, पांच पांच बेटे हैं, पर एक बार भी पूछते नहीं कि माँ तुमने भोजन कर लिया, माँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी, एक बार भी फोन लगा के नहीं पूछा अपनी माँ से बच्चों ने। अब है तो बेटे दोस्तों, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, बैठने की भी जगह नहीं है। तो बेटा होना जरूरी नहीं है, हृदय में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है। यदि प्रेम है तो बेटे की क्या जरूरत है, गोपियों के अंदर प्रेम था
बेटा था, कौन जानता है तीन गोपी का क्या बेटा था? बेटे से अमर ना हुई गोपियां, भक्ति से अमर हो गई गोपियां। बेटे से अमर ना हुई मीरा, भक्ति से अमर हो गई मीरा। स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा रहा हो तो नाम बताओ मुझे। क्या बेटों से अमर हो गए थी माँ? जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ, आप कहते हो ना मेरा बेटा श्री महाराज मेरा वंश आगे बढ़ाए, कुल आगे बढ़ाए, बेटा नाम रोशन करेगा। मेरी माँ यदि तुमने योग्यता है तो तुम अपनी पूरी पीढ़ियों को उतार सकते हो। दोस्तों हम दिन में भी प्रेम मंदिर आए थे, लेकिन प्रेम मंदिर का रात का नज़ारा अलग ही होता है, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ आपकी तलाशी होगी, उसके बाद में ही अंदर जाना दिया जाएगा।
दोस्तों अब हम भरतपुर आ गए हैं, यहाँ से बीकानेर के लिए गाड़ी पकड़ेंगे, गाड़ी 12:30 बजे आएगी। दोस्तों अब हम स्टेशन के बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आप भी चलो। दोस्तों भरतपुर स्टेशन के सामने बैठकर चाय पी रहे हैं। वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी आने वाली है दोस्तों, हमारा डिब्बा यहाँ आएगा, साथ वालों का पीछे है तो वो पीछे चले गए। DateTones.com